पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो चुका है और इस महामारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस खतरनाक वायरस से लड़ने का एक ही हथियार है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही सफाई। आज उत्तराखंड के रायवाले में जिला पंचायत की तरफ से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और दवाई का छिड़काव किया गया। खुद जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने इस कार्य को अपनी निगरानी में करवाया। हालांकि अभी भी आसपास के कुछ इलाके सैनिटाइज करने से बचे हैं, जल्द ही इन इलाकों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संकट के कारण बहुत से गरीबों की रोजी रोटी छिन गई है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका चूल्हा तभी जलता है जब वो शाम को कमा कर घर लौटते हैं। ऐसे में IBN9.live के संवाददाता संतोष चमोली भला इन गरीबों से दूर कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर संतोष चमोली ने इन गरीब परिवारों से बातचीत की। डॉक्टर संतोष की पहल के बाद आज रायवाला में ग्रामीणों के सहयोग से इन गरीब परिवारों, जिनमें कुछ घुमंतू लोग हैं जो आज इस जिले में हैं तो कल किसी और जिले में हैं, जहां काम मिले वहीं बसेरा, साथ ही उस जिले से होकर गुजर रहे पैदल यात्रियों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था भी किया। डॉक्टर संतोष की पहल के बाद आज रायवाला में ग्रामीणों के सहयोग से इन गरीब परिवारों, जिनमें कुछ घुमंतू लोग हैं जो आज इस जिले में हैं तो कल किसी और जिले में, इसके साथ ही उस जिले से होकर गुजर रहे पैदल यात्रियों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था को अंजाम दिया। इन गरीब परिवारों को आवश्यक सामग्री यानी राशन किट बांटा गया। इस पैकेट में आटा, दाल, तेल, चावल, चायपत्ती जैसे सामान उपलब्ध है जो कि इंसान को जीने के लिए चाहिए या यूं कहें कि जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान। इसके साथ ही उन परिवारों का भी लिस्ट तैयार किया गया जिनके पास न राशन है और न ही राशन कार्ड, और जल्दी उन परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। BJP जिला महामंत्री सुदेश कंडवाल वहां उपस्थित थे और अपने हाथों से राशन बांट रहे थे। कंडवाल जी का कहना है कि अपने आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इस मौके पर AK सिंह का भी सहयोग रहा, साथ ही पंजवानी परिवार ने भी अपना सहयोग दिया। अभी तक 35 परिवारों को राशन दिया जा चुका है और फिलहाल राशन बांटने का काम लगातार चलता ही रहेगा। रायवाला चेक पोस्ट पर डॉक्टर संतोष चमोली और उनके तमाम सहयोगी जिले से गुजरने वाले पैदल यात्रियों जो कि दूसरे जिलों से आ रहे थे, उनको भोजन के पैकेट और पानी की बोतल को भी दिया। अभी है 10-5 लोग खाना हमारे पास और भी है, और एक चैनल के माध्यम से एक बात और बोलता हूँ कि आपके आसपास जो भी आपको ऐसा दिखता है, गरीब दिखता है, भूखा दिखता है, उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प करें और कहीं ना कहीं क्या कि अच्छा ही होगा। पैदल यात्रियों और उनके परिवार वालों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में आप लोग भगवान बनकर आए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि IBN9.live के संवाददाता डॉक्टर संतोष चमोली और उनके बड़े भाई प्रमोद चमोली ने 11,000 की राशि देकर उन गरीब परिवारों का सहयोग भी किया। उत्तराखंड के रायवाला से संवाददाता डॉक्टर संतोष चमोली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।